top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. श्रम विभाग में एक वो है हमारा सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड, वो बोर्ड अपने रजिस्टर्ड मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का फायदा पहुंचाता, जैसे मजदूरों को साइकिल देना, मजदूरों की विकलांगता पर उनको 2 लाख रुपए देना, उनकी डेथ पर 5 लाख रुपए देना, एक्सीडेंटल पर, सामान्य मौत पर 1 लाख रुपए देना, उनकी बेटी की शादी में 51,000 रुपए देना, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए टोटल खर्चा देना, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने संसाधनों से स्कूल चलाना और दोपहर को मजदूरों को माध्यान्ह भोजन देना। जो माध्यान्ह भोजन की हमारी स्कीम थी उसका हमने यहाँ पर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में उसका शुभारंभ किया। इससे पहले इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में विधानसभा स्थित जो हमारा सचिवालय बन गया वहाँ पर कर चुके हैं। इसके आज आपने कुछ इंतजाम किया है? हमने जिस फर्म से कॉन्टेक्ट किया है मजदूरों को भोजन देने के लिए वो IRCT है, उसकी रेपुटेशन भी ठीक है और जो हमारा उनसे कॉन्टेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली भोजन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि समय समय पर उसकी गुणवत्ता को चेक करते रहें, बतलाते रहें, जब सुधार की और आवश्यकता होगी और करें। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जो है वो निंदनीय हैं, शर्म के योग हैं और सरकार जितने सख्त कदम माननीय मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं पर उठाते हैं वो भी सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। तो ये घटना वाकई गंभीर है और चुनौती भी है। निश्चित रूप से हमारे अधिकारी इस घटनाओं में सही मुलजिमों को पकड़ के इस परिवार को न्याय दिलाने की बात करेंगे और जो मुलजिम है उनको सलाखों में पीछे डालने की कोशिश करेंगे। लगातार प्रयास है सुधार का, कई कदम ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहनीय उठाए हैं। एक जमाना था कि रोजाना जो है वो आई टीजिंग और लड़कियों के प्रति जो अपराध थे उसको संज्ञान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एक योजना प्रारंभ की जो उसमें कमी आई है। अब वो 1090 पे जो पावर वुमेन पावर शुरू किया था उससे कमी आई है। इन घटनाओं की कमी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है, निश्चित रूप से इन पर लगाम लगाएंगे। जिसने गलत तरीके से आप अवगत किए कि जो हस्तांतरित क्षेत्र के मजदूर होते हैं अपनी बात को कहते हुए समाप्त करूंगा। आपकी जो योजना है, आपकी योजना जिसका शुभारंभ माननीय मंत्री माननीय श्रम मंत्री जी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण,
बधाई दे रहे हैं आपको, यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय है, यहाँ के सीडीओ माधवलाल जी गेस्ट हैं बाहर से, भाई साहब जी, मैडम सीजा जी, आदि के सभी नेता, प्रेस के साथियों, और जिनके लिए ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ है, वो सभी श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में जिलाधिकारी महोदय ने और तिवारी जी ने दोबारा से सरकार में आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया है कि इस योजना में 500 से बढ़ाकर अगले साल की तो क्या क्या इनोवेटिव होगा, हर रोज कुछ न कुछ तो नया।